अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अपना मतदान किया, अपने बेटों के साथ पहुंचे हैं और उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीकानेर शहर के एक मतदान बूथ के बाहर से इस वक्त ये तस्वीर आ रही है जहां पर केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उनके सामने इस बार गोविंद राम मेघवाल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा कि यहां पर मतदाता किसके पक्ष में वोट डालते हैं, क्योंकि आज इनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होने जा रही है। बिल्कुल, और यही व्यवस्था है कि केंद्रीय मंत्री तीन बार और साथ ही तीन बार से सांसद भी है, और यहाँ पर लेकिन वही आम आदमी की तरह लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग तो ये है। किशमी देसर स्कूल जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं लाइन में खड़े होकर, आप ठीक कह रहे हैं कि किस तरीके से बताते चलें कि करनी, क्योंकि बीकानेर करनी माता की धरती रही है, करनी माता की धरती रही है, भक्ति रस का यहां पर आधार रहा है। गेस्ट क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं, विकास सोमानी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, बीकानेर की बात करते हैं, करनी माता की धरती है, भक्ति रस यहां पर सबसे बड़ा असर है, और भक्ति रस तो इस बार राम मंदिर का भी है, तो जिक्र इसका हर मंच से किया गया, लग रहा है कि चुनाव में तब्दील होगा वो। विकास जी, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीकानेर की जो स्थिति रही है, बीकानेर से मतदाता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पिछले तीन बार से लगातार वोट करते आ रहे हैं, तीसरी बार ये भी है, और आप देखेंगे विधानसभा में भी सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दी गई है विधायक के रूप में। तो मैं ये मानता हूं कि बीकानेर की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है, मजबूत राजस्थान की सभी स्थिति है, लेकिन मैं कुछ सीटें ऐसी है जो 3-4 लाख 5 लाख के मतों से अधिक से विजय होने की स्थिति रहती है। तो राजस्थान में जो आप ये माने कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र माइक नीचे सबसे बड़ा महापर्व है, और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोला देवता से शुरू की है, और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा, और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी पाँचों लोकसभा है, और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत अनिल बनोली वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तमाम लोगों से ये अपील भी की है कि अपना अपना वोट डालें। हमारे साथ सहयोगियों के साथ साथ हमारे मेहमान भी लगातार मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, आपको लगता है कि इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी खाता खोल पाएगी और जो आपके मुद्दे हैं उन पर वोट पड़ रहा है? बिल्कुल, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिए थे, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को देवतुल्य मतदाताओं ने 25 सांसद दिए थे, लेकिन 2024 अर्जुन राम मेघवाल उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज लोकतंत्र का महापर्व है, आप खुद वोट डालने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाकई आज लोकतंत्र का महापर्व है, पहला चरण शुरू आज हुआ है, और 2024 में जो ये जनरल इलेक्शन हो रहे हैं इसके इस प्रथम चरण का दिन और बीकानेर में आज का वोटिंग का दिन निश्चित रूप से महापर्व भी है और बीकानेर वासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। पर ये जो आपका गृह क्षेत्र है किशमी देसर, जहां आप वोट डालने के लिए आए हैं, यहाँ हमने देखा सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी और आप खुद कतार में लग के इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, क्या किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, ये मेरी सभ्यता परंपरा और संस्कार में सम्मिलित है कि जो पहले आया है वो वोट पहले दे, मैं मेरी बारी का इंतजार करूंगा, मैं बीच में नहीं घुसता हूं और हड़बड़ी में भी आऊं भी देर से और कहूं मैं पहले वोट दूंगा, ऐसा मेरी सभ्यता कहती भी नहीं है ना मेरा ऐसा संस्कार है। परिवार के लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्या लग रहा है आपको, मोदी की गारंटी चल रही है? बीकानेर वासी आशीर्वाद दे रहे हैं, बाकी चीजें इसके बाहर करेंगे। तो शुक्रिया, ये थे अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का उत्साह लोगों में या मतदाताओं में देखा जा रहा है उससे ये साफ है कि उन्हें अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। मतदाताओं से भी आप बात कर सकते हैं कि वहाँ के लोकल इश्यूज को लेकर वोट डाल रहे हैं या फिर केंद्र के जो मुद्दे हैं उन पर वोटिंग हो रही है। जी सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या लोकल मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है या केंद्र के मुद्दों पर वोट डाला जा रहा है? अभी तो हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और भारत की
102 सीटों पर 543 में से 102 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बड़े बेटे हैं रवि, और उनके ठीक पीछे आपको पगड़ी में दिखाई दे रहे उनके छोटे बेटे यानी कि अर्जुन राम मेघवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। से मतदान आपने किया करवाया और अब लोग जो मतदान करने आए हैं, क्या लग रहा है किस किन चीजों को लेकर लोग मतदान करेंगे? क्या क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर या केंद्र की जो योजनाएं उनको लेकर? मेरे के लिए देश के भविष्य के लिए मतदान।